सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द स्कॉलर्स हाउस में। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट एंड आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि सब अच्छे होंगे, सब हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे एंड घर पर होंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको एक्सरसाइज 8.2 आपका कंप्लीट हो चुका है और उस पर जितने क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे ही करा दिए हैं। एक दो क्वेश्चंस रह गए हैं, छूट गए हैं, वो होमवर्क के लिए हैं, ईजी हैं, इसीलिए मैंने वो छोड़ रखे हैं। अब ध्यान दीजिए, मैंने जैसे बताया था आपको कि मैं एक्सरसाइज 8.1 लेकर आऊँगा, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी का, ठीक है ना? तो ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला चैप्टर था। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा लंबा लेक्चर जा सकता है। इस पर क्या है, देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना? तो ये देखिए बोर्ड आपको सब क्लियर होगा। यस, तो देखिए फ्रेंड, जैसा मैंने कहा कि आपको एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, वो है आपकी क्या, देखिए ध्यान से सुनिए। हमें क्या करना है, आप ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज को ट्राइंगल में अप्लाई करना है। ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज को ट्राइंगल में अप्लाई करके उस पर उसकी ट्राइंगल्स की साइड फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, फटाफट पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत जरूरी क्वेश्चन है आपके लिए, पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, ठीक है ना? चलो एक काम करते हैं, अगर ये क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा लंबा चला जाता तो इस क्वेश्चन को हम कल कर लेंगे। पर देखिए इस पर करना क्या है, ध्यान से सुनिए मेरी बात। यस, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे कि आपको पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, आपने 9th क्लास में पढ़े होगी कि हमारे पास एक राइट ट्रायंगल होता है, इस पर हमें क्या चाहिए, एक राइट ट्रायंगल, वी नीड अ राइट ट्रायंगल, ठीक है ना? राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए ए दिस इज बी दिस इज सी, आपने पढ़ा होगा। इसके लिए मैं कहूँ इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर मैं बोलूँ तो राइट एंगल कहाँ पर बन रहा है आपका? राइट एंगल क्या होता है पता है किसी को? राइट एंगल कहाँ पर होता है? राइट एंगल एट बी, मतलब राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। राइट एंगल है कौन सा आपका, आप बता सकते हैं राइट एंगल कौन सा है? ये आपको पता है एंगल ए बी सी, ठीक है ना? जो कि कितना है, 90 डिग्री है, जो कि आपको पता है क्या क्या होता है राइट एंगल। सो फ्रेंड्स, देखिए आपके पास, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ मैं, जो सबसे बिगेस्ट साइड होती है वो आपकी कहलाती है क्या बताइए? वो आपकी कहलाती है हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना? तो दिस वन दिस साइड इज नोन एज हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना? ये होती है आपके हाइपोटेन्यूस। ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू एंगल्स, सॉरी अकॉर्डिंग टू यस एंगल्स, एंगल्स के अकॉर्डिंग वी डिसाइड विच इज बेस और विच इज परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिएगा, हम अभी क्या करेंगे, हाइपोटेनियस आपका हमेशा सेम रहेगा, हाइपोटेनियस इज ऑलवेज सेम द लॉन्गेस्ट साइड। तो ए सी इज इक्वल टू आपका क्या रहेगा, यहाँ पर हाइपोटेनियस रहेगा। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है इसमें। और देखिए अकॉर्डिंग टू एंगल, मैंने क्या कहा, एंगल के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ेगा, सॉरी एंगल के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगा कि कौन सी साइड हमारे पास में परपेंडिकुलर है, कौन सी साइड बेस है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, अभी मैं चलो एक बार लिखता हूँ यहाँ पर, ए बी इज इक्वल टू, ए बी आपका क्या है, मान लीजिए परपेंडिकुलर है, फिलहाल के लिए ये परपेंडिकुलर हो चुका है और बी सी आपका बेस हो गया। अब हम इसको करेंगे क्वेश्चन में अप्लाई, ठीक है ना? तो मैंने जैसा कहा अभी, ये तो इतना तक तो आपको 9th क्लास में था, ठीक है ना? अब देखिए क्या करना है आपको, अब साइड्स का रेशियो बताना है, ठीक है ना? साइड्स का रेशियो अकॉर्डिंग टू एंगल्स, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा, कंफ्यूज मत होना। देखिए जब भी आपसे पूछे कि साइन बताओ, साइन थीटा क्या होगा, साइन कॉस थीटा क्या होगा और टेन थीटा क्या होगा, कोसेक सेक एंड कॉट थीटा क्या होगा, ठीक है ना? तो ये इस पे उस वो जो साइन थीटा कॉस थीटा मैं जो कह रहा हूँ वो किस पे अप्लाई करना है आपको, इस ट्रायंगल पे अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू उनके साइड्स के अकॉर्डिंग। तो ध्यान दीजिए मैं कर कैसे रहा हूँ, अभी फिलहाल हम करते हैं। चलो यहाँ पर हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, सॉरी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा ये आपकी, ठीक है ना? दिस वन इज योर पाइथागोरस थ्योरम, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है, यहाँ पर से आपकी पाइथागोरस थ्योरम ऐसे ही लगेगी। अगर कोई भी साइड निकालनी हो हमें तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, ठीक है ना? अगर हमें ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है, वी हैव टू फाइंड दिस साइड, सो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हमारी साइड निकल जाएगी। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी के आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बी सी के आपका बी सी स्क्वायर के आप बेस का स्क्वायर है, ठीक है ना? अब मेरे भाई ध्यान से सुनिए, आप करिए ऐसा, देखिए एक फॉर्मूला आपके पास, एक फॉर्मूला आपके पास ट्रायंगल को एंगल, सॉरी ट्रायंगल में जितनी साइड है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू एंगल्स, इनको अगर देखो हमें सजाना है तो किस तरह सजाएंगे। देखिए यहां पर लिखिए आप एक फॉर्मूला आपके पास, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है ना?
इसको लिखिए, देखिए पंडित बद्री प्रसाद आपके पास है यहाँ पर, हर हर भोले, PHOLE। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, आप ध्यान से सुनना इसको मैं क्या कह रहा हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको ऐसा होगा ही नहीं कि नहीं समझ में आए, वेरी इजी है, इसको तो आप याद ही कर लेंगे, पंडित बद्री प्रसाद इन हर हर भोले। देखिए P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, H फॉर हाइपोटेन्यूज एंड B फॉर बेस, ये आपको पता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसमें P को मार कर दो, P फॉर आपको पता है B से बेस, फिर P से परपेंडिकुलर, यहाँ एच से ये, यहाँ एच से ये एंड यहाँ बी से बेस, बेस हाइपोटेन्यूज। अब ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ पर आप लिखिए साइन कॉस टेन, और यहाँ लिखिए आप कोसेक सेक, ठीक है ना। जैसे मैं पूछूंगा आपसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए, यहाँ पर साइन ए क्या होगा, तो आपको बताना है साइन ए क्या होगा। आपको साइन ए पूछूंगा तो आप क्या करेंगे, अकॉर्ड आप ट्रायंगल पे जाएंगे, ट्रायंगल पे साइन ए देखेंगे और दो साइड्स का रेशियो बताएंगे, तो वो दो साइड्स कौन सी होंगी वो हमें इससे पता लगेगा, कोसेक सेक एंड कॉट। ध्यान से सुनिएगा ये मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा इसको क्या कह रहा हूं मैं, यह है आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखिए अगर मैंने आपसे पूछा साइन थीटा बताओ, अभी मेरे पास मान लीजिए कोई मेरे पास एंगल नहीं है, सॉरी कोई मेरे पास ट्राइंगल नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ सिर्फ आपसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन, तो आप ध्यान सुनना, यहाँ पर आप अपॉन करिए, इस पर भी अपॉन कीजिए, इस पर भी अपॉन कीजिए। देखिए ये पी अपॉन एच है ना, तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पर पी अपॉन एच, दिस बी अपॉन एच एंड दिस वन पी अपॉन बी। ध्यान सुनिएगा यही चीज़ आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, अगर मैं पूछता हूँ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, आप ऊपर से नीचे की तरफ देखिए आपको क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो जब भी मैं आपसे साइन थीटा पूछूंगा तो आप क्या कहेंगे, वी हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं पूछूंगा आपसे कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, तो कॉस थीटा क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ देखिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देन आई वॉन्ट टू आस्क यू टेन थीटा, इफ आई वॉन्ट टू आस्क यू टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी। देख लीजिए आपको आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको जब पता ही है साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो यहाँ पर भी हमने एक चीज कर रखी, देखिए कोसेक पूछेंगे तो आप क्या करेंगे, आप ऊपर की तरफ देखेंगे, यहाँ से ऊपर को देखेंगे, सेक के लिए भी यहाँ से ऊपर और इसके लिए भी यहाँ से ऊपर। अब ध्यान देखिए, देखने का मतलब ये रहेगा कि हम पहले एच लिखेंगे फिर पी लिखेंगे, तो कोसेक के लिए बार पूछूँ अगर मैं, तो कोसेक थीटा पूछूँ तो क्या होगा, आप इतना मत करिए, आप बस ये लिखा है ना, इसका एच ऊपर पी नीचे। सिमिलरली सेक थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, एच अपॉन बी। अब देखिए यहाँ पर टेन, सॉरी टेन का क्या होता है हमारे पास कॉट, तो देखिए फ्रेंड्स कॉट थीटा है हमारे पास, ये कितना है, बी अपॉन पी। सो यहाँ पर से ही तो हमारा कंप्लीट होता है, इतना तो आपको आ गया होगा समझ में। देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। तो ये आप देखिए, अब हम इसमें करते क्या हैं, एक चीज़ और है हमारे पास। अब ध्यान देने वाली बात यह है इस क्वेश्चन में, देखिए ध्यान देने वाला बात यह है, ये आपको आ गया होगा, इतना हिस्सा आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि आ गया होगा। ये वाला हिस्सा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या याद करना है आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, सॉरी पंडित से परपेंडिकुलर, बी से बेस, पी से परपेंडिकुलर। तो ध्यान दीजिएगा ये हमने इस तरह डिनोट किया है जिससे कि हम याद कर सकें। तो देखिए अब इसको अप्लाई करना है, ये कहाँ पर यूज़ है, वेयर इट, यहाँ पर इसका यूज़ क्या है, तो अब हम पढ़ेंगे इनके यूजेस पढ़ेंगे, तो कहाँ पर ये यूज होंगे ये हम पढ़ेंगे। सो देखिए यहाँ पर से हम क्या करते हैं, अब ध्यान सुनेगा, अगर हमारा क्वेश्चन नहीं भी होता है तो आज हम यही कंप्लीट करेंगे अपना, कल हम क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो देख लेते हैं एक बार और, ये आपको आ गया होगा क्या होता है परपेंडिकुलर थ्योरम, ठीक है ना, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपको आगे समझ में। अब एक काम करते हैं, इसको रख करता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी को देखिए बहुत कंफ्यूजन होगा यहाँ पर, ध्यान से सुनना, वेरी कंफ्यूजन टॉपिक है, ठीक है ना। लेट वी हैव एंगल्स, ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ए बी एंड सी, सुनिए मेरी बात। यहां पर मैं लिखता हूं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ठीक है, ये तो मुझे पता है राइट एंगल एट बी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मैं अभी तक तो साइन थीटा कॉस थीटा है, देखिए चलिए मानते हैं, देखिए साइन थीटा ना
वो कहीं पर भी दे सकता है, यहाँ दे सकता है साइन थीटा और यहाँ देगा कुछ दूसरा एंगल, ठीक है ना। मान लो यहाँ दे दिया उसने अल्फा, सुनिए मेरी बात, थीटा अल्फा नहीं लेता हूँ। देखिए कंफ्यूजन होगा कैसे होगा बताऊँ, देखिए एक चीज और सुनिए मेरी बात, कभी कभी क्या कहेगा आपसे, सुनना मेरी बात, या तो साइन ए होगा, जब साइन ए पूछेगा तो उस समय अल्फा नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है ना। कंफ्यूजन मत करिए आप, साइन ए का मतलब कौन सा एंगल पूछ रहा है, एंगल ए की बात कर रहा है, मतलब साइन एंगल ए की बात कर रहा है, ध्यान से सुनना है, साइन एंगल ए की बात कर रहा है। अगर क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ अल्फा दे रखा है तो आपसे ए नहीं कहेगा, यहाँ पर साइन अल्फा कर देगा, तो इस पर आप कंफ्यूज मत होना। एक काम करते हैं हम, देखिए यहाँ पर ये एंगल्स नहीं लेते हैं, क्या करते हैं डायरेक्टली सीधे जो ए दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, उसी एंगल के अकॉर्डिंग चलते हैं यहाँ पर हम। सो ध्यान से सुनिएगा अब मेरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने क्या बोला था शुरू में, दैट साइन का किसी भी रेशियो का एंगल डिसाइड करेगा विच इज परपेंडिकुलर एंड विच इज बेस, कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है वो इसका कौन डिसाइड करेगा, उसका एंगल डिसाइड करेगा, एंगल डिसाइडेड, ठीक है ना। यहां पर लिख सकते हैं आप एंगल डिसाइड विच इज परपेंडिकुलर और बेस, विच इज पर, ये लिखिए परपेंडिकुलर, चलेगा ऐसे लिख देते हैं, परपेंडिकुलर और बेस, एंड दे या फिर और बेस का मतलब नहीं, वैसे सिर्फ एंगल ही सिर्फ डिसाइड करता है, एंगल सिर्फ वैसे तुम्हारा परपेंडिकुलर डिसाइड करता है। तो यह ध्यान सुनेगा, ये कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ध्यान से सुनेगा, लेट एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरे पास ये 3 है, मेरे पास ये 4 है, सुनना, मेरे पास ये 3 है, मेरे पास ये 4 है, मुझे पहले AC निकालना है इसमें, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहली चीज, एक ट्रायंगल में, चले आज ये क्वेश्चन मुझे लगता हो पाएगा, तो आप ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, वी हैव एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है मेरे पास, AB साइड कितनी है 3 सेंटीमीटर, मेरे पास ये कितना है 4 सेंटीमीटर, लेट देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे, AB कितना है मेरे पास 3, AB कितना है मेरे पास यहाँ पर से 3 सेंटीमीटर एंड BC इज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम हेयर। अब आपको सबसे पहले एक ट्राइंगल में जितनी भी साइड है वो फाइंड करना जरूरी है, फिलहाल करना पड़ेगा आपको। देखिए तो हमें अगर AC निकालना है तो आप क्या करेंगे, यहां पर से अप्लाई क्या, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे तो आपको पता है पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां पर से आप क्या करेंगे, इस पे ब्रैकेट लगा सकते हैं आप लोग। सो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, यहां पर AC स्क्वायर, AC कितना है निकालना है, वी हैव टू फाइंड AC स्क्वायर, और AB कितना है 3 3 का स्क्वायर, और ये कितना है आपके पास 4 का स्क्वायर, तो देखिए कितना आ गया 9 प्लस 16 दिस इज 25, और अगर हमें यहाँ पर से AC स्क्वायर निकालना है तो हम क्या, AC स्क्वायर 25 आ गया, तो AC निकालने के लिए क्या करेंगे, उस साइड अंडर रूट जाएगा 25 एंड AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आपका आ गया। तो जो गिवन वैल्यू जो हमारे पास आ चुकी है वो कितनी है हमारे पास यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। तो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, चलिए इसको फिर से रख कर लेते हैं, मैं फिर बता दूंगा आपको, इसने लिख लिया होगा आपने ये सब। अब देखिए क्या करना है, ये क्वेश्चंस कैसे अप्लाई करने हैं वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चंस कैसे अप्लाई करने हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, वेदर आई आस्क यू टू फाइंड द साइन है, देखिए मेरी बात ठीक है ना। अभी फिलहाल देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लेता हूँ, साइन यहाँ पर हमारे पास ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, यह है मेरे पास 3 सेंटीमीटर, यह है मेरे पास 5 सेंटीमीटर एंड यह है मेरे पास 4 सेंटीमीटर, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल, सॉरी ठीक है ना, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग फाइंड फाइंड अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल, मैं कह रहा हूँ फाइंड आपसे साइन ए। तो मैंने क्या कहा था, देखिए अब मेरी बात ध्यान सुनिए, साइन ए निकालना है तो कौन सा एंगल निकालना है, यू हैव टू फाइंड ए, ठीक है ना, साइन का ए वाला एंगल निकालना है, तो यही चीज मैं कह रहा था आपको। अब देखिए ए को देखकर, ए को देखिए, ए के सबसे सामने वाली साइड ऐसे करके देखिए तो कौन सी है आपके पास, दिस वन, तो यही मैं कह रहा था आपसे, ए के सबसे सामने जो साइड है कौन सी है हमारे पास, BC, तो BC साइड यहां पर क्या डिनोट करेगा, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ए के सामने देखा हमने एंगल, ए के सामने कौन सी साइड है हमारे पास, BC है, अब यह BC क्या डिनोट करेगा यहां पर, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, इस साइन ए के लिए यह परपेंडिकुलर, ध्यान देना इस साइन ए के लिए यह परपेंडिकुलर है, साइन ए के लिए, कॉस ए के लिए एंड टेन ए के लिए, सब के लिए, सारे रेशियोस के एंगल ए के लिए दिस BC इज रिप्रेजेंटेड एज परपेंडिकुलर।
ध्यान सुनिएगा, ये तो मैंने क्या कहा था, एसी इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हमेशा हमेशा ये वाला हिस्सा हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा, इस पर हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, हमारा एक्सपेरिमेंट रहेगा तो इसमें और इस साइड में और इस साइड में रहेगा। तो देख लीजिए एंगल ए के जस्ट आगे वाला क्या आपके पास परपेंडिकुलर। तो देखिए फ्रेंड्स, हाँ यस, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा ये परपेंडिकुलर, तो बेस कौन सा, ये वाला, और ये तो हमेशा क्या रहेगा आपका हाइपोटेन्यूज, तो ए सी यहाँ से क्या रहेगा यहाँ पर हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, ठीक है ना, ऑलवेज। और जो बचा हुआ हिस्सा है ए बी हमारा किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा। सो ये आपको आ गया होगा समझ में, मैंने क्या कहा साइन ए के सबसे आगे वाला ये होता है बेस। कोई बात नहीं, क्लास लंबी जाएगी लेकिन समझ में आना चाहिए। अब देखिए याला से आपने कर लिया होगा पी बी पी एच एच बी, इसको मैं रफ करता हूँ देखिए। तो अब देखना मेरी बात, इसको भी रफ कर लेते हैं, चलो अभी नहीं हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना, अभी मुझे समझाना है आपको क्योंकि बहुत कुछ इसमें। अब देखिए ठीक है ना, तो अब मुझे चाहिए साइन है, तो आपको पता है साइन, देखिए साइन एक चीज कहते हैं, आपको क्या था देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ था आपका साइन, यहाँ था आपका कॉस, यहाँ था आपका टेन, फिलहाल ये लिखिए। तो साइन के लिए क्या है, साइन का एंगल ए पी अपॉन एच, तो साइन देखेंगे हम कौन सा है एंगल ए, तो साइन ए के आगे पी कौन सा है बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा है ए सी। तो अगर हमें फाइंड करना होगा तो हम क्या कर देंगे सीधे फोर अपॉन है ना फाइव, तो ये आपका आंसर आ जाएगा साइन ए। तो मेरी बात समझ में आपको आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। सिमिलरली अगर कॉस ए पूछूं आपसे, कॉस ए के लिए भी वही, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, पर ध्यान दीजिए कॉस में क्या है आपके पास बी अपॉन, ठीक है ना, बी अपॉन एच, तो बी यहाँ पर बेस क्या है, बेस क्या है ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, ठीक है ना। तो देखिए अभी अगर हम ये कर लेते तो बेस तो गलत हो जाता ना, फोर अपॉन फाइव करें तो गलत हो जाता, इसका मतलब कॉस ए के लिए ये ए बी क्या कर रहा है आपका, ठीक है ना, ए एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, तो ये तो हमेशा आपका ए सी क्या रहेगा हाइपोटेन्यूज, और दिस वन रिप्रेजेंटेड एज बेस, तो ए बी आपका क्या रहेगा यहाँ पर थ्री एंड ए सी आपका फाइव, ये आपको आगे होगा, ठीक है ना। अब सिमिलरली आप टेन ए करना घर से निकालना, और एक चीज और देखिए, अब मैं क्या करता हूँ आपके लिए एंगल चेंज कर देता हूँ, लीजिए इफ आई वॉन्ट टू आस्क यू, देखिए वो फर्स्ट क्वेश्चन आप कर लेना, मैं आपको अगली क्लास में करा दूंगा वैसे, इफ आई वॉन्ट टू आस्क यू साइन सी, ध्यान सुनिएगा साइन सी पूछ रहा हूं, तो नाउ किसको देखेंगे आप, साइन सी पूछ रहा हूं, तो फिर से देखिए यहां पर चलो बना देता हूं आपके लिए एक बार, और कंफ्यूजन हो रहा है तो ये है, तो ये आपके पास देखिए यहां से कितना आ गया, व्हाट इज दिस, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, यहां पर थ्री है, यहां पर फाइव है, यहां पर फोर है, अब वही बात साइन सी कह रहा है, तो सी को देखिए, ये देखा मैंने सी को, अब सी के जस्ट सामने वाला एंगल कौन सा है, सॉरी साइड कौन सी है ए बी, तो दिस सी के आगे वाला, इस सी के आगे वाला जो है हमारे पास ए बी, ये क्या कर रहा है आपका परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको लिखता नहीं हूँ, चलो आपको पता चल गया अब, तो इस ए बी इज परपेंडिकुलर, तो ध्यान दीजिए फिलहाल साइन का तो फॉर्मूला वही रहेगा पी अपॉन एच, तो साइन सी क्या होता है, सी को देख के परपेंडिकुलर कौन सा है ए बी, और हाइपोटेन्यूज कौन सा आपका ए सी, तो उसको आप लिख लिए, ठीक है ना। देखिए तो ये आपको पता है ये बी सी अपन ए सी के साथ साइन के आगे बी सी, यहाँ से देख लीजिए आप पी कितना परपेंडिकुलर आपका क्या है, ये उसके लिए बी सी था परपेंडिकुलर, इसके लिए ए बी है, तो ये कितना आ गया थ्री अपॉन फाइव। तो फ्रेंड्स इतना ही करते हैं, सॉरी फॉर क्वेश्चन फर्स्ट हम नहीं कर पाए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, जहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देख लीजिए साइन सी हो गया, कॉस सी पूछूंगा तो फिर कॉस सी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, यहाँ पर लिख लीजिए, देखिए इफ आई वॉन्ट टू कॉस सी, लिख लीजिए कॉस सी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस सी के लिए बेस कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस कौन कर रहा है बी सी, और हाइपोटेन्यूज कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर ए सी, तो कितना हो जाएगा बी सी कितना आपके पास फोर अपॉन फाइव। तो देख लीजिए आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, आई होप कि बहुत अच्छे से आया होगा समझ में, ठीक है ना। तो ये वेरी लॉन्ग लेक्चर है आपका, अभी तक का सबसे बड़ा लेक्चर है क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी था, तो देख लीजिए ये आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स इस क्लास को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर से, अगली क्लास में हम फर्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, आप दिक्कत मत लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी,
इस क्लास को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना, और जितने भी फ्रेंड्स हैं आपको शेयर कर देना। जल्दी ही हम एक्सरसाइज 8.1 भी कंप्लीट करेंगे। एट लास्ट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट मी एंड टेक केयर। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ। गुड बाय।